योगाचार्य डॉक्टर ब्रिजमोहन आप सबका मैं एक बार स्वागत करता हूँ। और डिप्रेशन, जिसे अवसाद कहें, तनाव कहें, एक बहुत ही गंभीर समस्या आम लोगों में बढ़ती जा रही है, खास करके युवाओं में जो करीब 15 साल से लेकर के 35 साल के उम्र के हैं, उनके अंदर डिप्रेशन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और डिप्रेशन के दुष्परिणाम क्या होते हैं सुनकर के आप डर जाएंगे, क्योंकि जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं उनका पहला जो भाव उत्पन्न होता है अंदर, वो निराशा का भाव होता है। वो एक तरह से जीवन से, संसार से, समाज से, परिवार से और अपने द्वारा किए गए सारे क्रियाकलापों से वो एक तरह से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और वो ऐसा लगता है कि अब मैं जी करके क्या करूँगा, मुझे दुनिया में रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो ऐसे यदि गंभीर लक्षण दिखाई पड़ रहे हों, यदि ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हों, तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए बस दो तीन टिप्स मैं बताऊँगा, उसे आप शुरू कर दीजिएगा, बहुत जल्द आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। सबसे पहला करना आपका है क्या है कि ओम का उच्चारण करना है, जिसमें अकार, उकार और मकार तीनों का एक साथ हम समावेश करते हैं, संगम करते हैं, तो ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आँख बंद करना है और सांस को भरते हुए धीरे से यह रहा ओम का उच्चारण। इसे आपको कम से कम 11 बार से लेकर के 51 बार या 101 बार करना चाहिए। एक बार में यदि संभव नहीं है 101 बार, तो 11-11 का सेट बना करके, 21-21 का सेट बना करके आप 101 बार पूरा कर सकते हैं। ये अभ्यास करने से हमारे मस्तिष्क के अंदर किसी भी प्रकार का कोई तनाव है, कोई गंदगी है, कोई विकार है, कोई टॉक्सिन्स है, या हमारे जीवन की गतिविधियों को ब्रेक कर रहा है, वो रोक रहा है, बाधक बन रहा है, तो उन सारे अवरोधों को ये ओम की ध्वनि दूर कर देती है। इसलिए यदि आप कहीं मंदिर जाएं, तो आप बड़े बड़े घंटों को भी सैकड़ों बार बजाएं और उसके नीचे आप खड़े हो जाएं। जब घंटा की नाद करेंगे आप, तो पूरे मस्तिष्क में तरंग उत्पन्न होगा, वाइब्रेशन उत्पन्न होगा और सारे विकारों को, तनावों को दूर करता हुआ आपके माइंड को रिलैक्स कर देगा, माइंड को शांत कर देगा। और जैसे ही माइंड रिलैक्स होंगे, आपको गहरी नींद आएगी, आपको आज अच्छा लगेगा, आपको अंदर से गुड फील होगा, और जो नकारात्मक विचार भरे पड़े थे, जो आप रूह कांप जाती थी सुन करके कि डिप्रेशन के शिकार लोग कौन कौन से गलत कदम उठाते हैं, उन कदमों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो ओम का उच्चारण आपको कम से कम आज से ही शुरू कर दीजिए और 3 से 4 दिनों में इसका पूरा का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसलिए भयंकर यदि डिप्रेशन के शिकार हों, तो ओम की ध्वनि का उच्चारण करिए, आप इस दलदल से, आप इस भाव से पार उतर जाएंगे। तो आपको मैं एक बार ब्रिजमोहन सबको अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप डिप्रेशन के शिकार हैं या आपके इर्द गिर्द में कोई व्यक्ति इस प्रकार के लक्षण वाले दिखाई पड़ते हों, तो उन्हें ओम का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम करवाने की सलाह दीजिए। वो बहुत जल्दी इस समस्या से उभर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद।